दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बनाएंगे चीज़ कटलेट्स। इसकी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने ब्रेड लिया है। ब्रेड को किनारे से हम काट लेंगे। सारे ब्रेड को हम इसी तरह काट लेंगे, बहुत किनारे से काटेंगे हम। इसके कटे हुए को हम कुछ भी बना सकते हैं, स्नैक्स। ये हमने सेवई लिया है, दो चीज़ का पैकेट लिया है छोटा। तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, जीरा हमारा लाल हो गया। अब आधा चम्मच मंग दाल डालेंगे, राई डालेंगे आधा आधा चम्मच। इन सारे चीज़ों को हम डालेंगे। सौंफ डालेंगे, सारे चीज़ों को हमें भून लेना है। अब करी पत्ता डालेंगे। ये हमारा लाल हो गया। आधा चम्मच हम हींग डालेंगे। मसाला हमारा भून चुका है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच मिला देंगे। हल्दी को हमें ज़्यादा तेल में लाल नहीं करना है। तुरंत हम इसमें मैश किया हुआ आलू उबला हुआ डाल देंगे। आपको जितना बनाना है आप उतना आलू ले सकते हैं। हमने आधा किलो लिया है, 250 ग्राम। आलू हमारा फ्राई हो गया है, भुन गया है अच्छे से। हम इनको लाल कर लेना है। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को हम पहले ही भून कर छिलका निकाल दिए थे। बस इसको अच्छे से मिला लेना है हमें। इसमें हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा ठंडा हो गया। अब रहा है जब तक आलू हमारा, हम चीज़ को काट लेंगे पतले पतले स्लाइस में। अब ब्रेड को हम पानी में भिगो लेंगे पहले। अब इसमें चीज़ लगाएंगे, फिर आलू का मिक्सचर लगाएंगे। इनको अच्छे से लपेट लेंगे। अब इस पे सेवई का कोट करेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया। अब इनको हल्के आंच पे तल लेंगे। ये हमारा देख सकते हैं, ये तल गया है, अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसी तरह हम सारे ब्रेड को बना लेंगे। चीज़ कटलेट हमारा तैयार हो गया है।